हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल SSM SPSS। यार एक हफ्ता इतनी जल्दी चला गया पता भी नहीं चला। टाइम सच में बहुत जल्दी जल्दी जाए जा रहे हैं यहाँ पे तो। और टाइम तो जल्दी जाता रहेगा यार, और हम हमेशा ये बोलते रहेंगे कि अब कल पढ़ूंगा या फिर थोड़ी देर बाद पढ़ूंगा, और ऐसे चलता ही रहता है। और एक तरफ ये सोचता है कि हमें सबसे अमीर बनना है, दुनिया का सबसे अमीर इंसान हम होंगे एक दिन, ये सब सोचते हैं। और दूसरी तरफ हम कुछ कर ही नहीं रहे उसके लिए। तो यार एक चीज़ यही बोलूँगा कि सबसे पहली बात तो तुम्हें हमेशा लोग कम समझने वाले हैं, ठीक है। लाइफ में यही होने वाला है कि सब तुम्हें कहेंगे कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, उनसे कंपेयर करेंगे, और तुम्हें फिर उसके लिए बुरा भी लगेगा, यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ फिर भी ये सब हो रहा है। लेकिन अगर तुम सच में देखोगे अपने अंदर कि तुम वो मेहनत एकदम ऑनेस्टली नहीं कर रहे हो यार, तो वही चीज़ तुम्हें फिर से देखने की ज़रूरत है कि अगर तुम्हें कोई कुछ कहता भी है तो उसको एक पॉजिटिव वे में ले लो तुम, कि हाँ यार कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रही है, ठीक है, मैं अपनी तरफ से मेहनत कर रहा हूँ। हम लक को मतलब फैक्टर बोल रहे हैं कि उसकी किस्मत ख़राब है हमारी, लेकिन वो उस चीज़ को अगर हम साइड में रख दें तो अगर आप अंदर खुद के अंदर देखोगे ना, थोड़ी सी कमी तो आपको दिख ही जाएगी, ठीक है। वही कमी आपको दूर करनी है यहाँ पे, ठीक है। तो वही चीज़ है कि कंसिस्टेंट रहना है सबसे पहली बात। ये नहीं है कि आपको पढ़ते जाना पूरे दिन पढ़ रहे हो 10-10 घंटे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं पढ़ सकता। और जो पढ़ते हैं ना वो बस उनका माइंड भरे जा रहे हैं और एक टाइम के बाद पूरा ब्लास्ट हो जाएगा और फिर सब कुछ भूल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो इसीलिए 5-6 घंटे पढ़ो लेकिन कंसिस्टेंटली पढ़ो, ठीक है। तो चलिए यार मॉक स्टार्ट करते हैं, बाकी फिर बातें तो करते रहेंगे। और एक स्ट्रेटेजी वीडियो भी बनानी है, काफ़ी बच्चों के कॉल्स आ रहे थे, उनके लिए सॉरी बोलूँगा अभी, लेकिन कॉल अटेंड करूँगा यार मैं इस वीडियो के बाद, देखता हूँ टाइम मिलता है तो, ठीक है। तो चलिए यार मॉक स्टार्ट करते हैं अभी। तो यार पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, देख लूँ कनेक्टेड है या नहीं। पहला क्वेश्चन है हमारा, सिलेक्ट द करेक्ट वाटर इमेज ऑफ द गिवन फिगर्स। ओके, इसकी वाटर इमेज में कॉर्नर आना चाहिए आगे राइट साइड, एक में ही है फर्स्ट में। पेपर अनफोल्डिंग है, डी नीचे ऐसे ही आ जाएगा सेम, और फिर ये रिवर्स हो जाएंगे यहाँ पे। थर्ड ऑप्शन दिख रहा है मुझे अभी तक तो, और फोर्थ में अपोजिट ये सेम साइड हो गए, ये भी सेम साइड है, ये भी सेम साइड है, थर्ड ही ऑप्शन है। ऑल वेल्स आर लेक्स, ऑल वेल्स आर लेक्स, सम लेक्स आर पॉन्ड्स, सम टैंक्स आर लेक्स, सम टैंक्स आर लेक्स, ऑल टैंक्स आर वेल्स, ऑल टैंक्स आर वेल्स, गलत, नो टैंक्स आर वेल्स, नो टैंक्स आर वेल्स, ये भी हमें पता नहीं है। अब देखो इसमें ऑप्शन देखते हैं पहले, इधर वाला है या नहीं, इधर वाला, इधर कंक्लूजन 1 और 2 है इसमें। तो इधर कब लगता है, सबसे पहली बात तो ये जान लो, इधर तब लगता है जब ये यहाँ पे ऑल की जगह सम होगा, ठीक है, एक जगह सम होगा और एक जगह नो होगा, तब तब लगता है इधर वाला केस, ठीक है। तो अभी इसमें एक ऑल मतलब ऑल दिया हुआ है तो इसमें इधर केस नहीं लगेगा, इसमें है नन फॉलोज होगा, ठीक है, मेरे हिसाब से अभी यही लग रहा है मुझे, बाकी पता नहीं। 280 294 14 का गैप है यहाँ पे, 22 का गैप है, 22 का 44 का आधा, 28 इसका आधा, 66 का आधा, 33, 693। ओके, कमर में दर्द हो गया। सम फ्लूट्स आर ट्रम्पेट, सम फ्लूट्स आर ट्रम्पेट, सम ट्रम्पेट आर हार्प, सम हार्प आर फ्लूट, सम हार्प आर फ्लूट, और नो हार्प इज फ्लूट। देखो अब सम और नो है और सेम ये चीज़ें हैं तो इसमें इधर का केस लगेगा, ठीक है, इधर 1 और 2। अब थर्ड क्या है, सम ट्रम्पेट इज फ्लूट, सम ट्रम्पेट इज फ्लूट सही है, नो हार्प इज ट्रम्पेट, नो हार्प इज ट्रम्पेट गलत। तो इसमें क्या है, इधर 1 2 होगा और थर्ड, पहला ऑप्शन क्या है, ओनली थर्ड एंड इधर 1 2, यही है। ए सेट टू बी सी स्पाउस इज अ ब्रदर ऑफ योर डॉटर सन एंड आई एम योर ओनली चाइल्ड। ओके, ए सेट टू बी सी स्पाउस, सी का स्पाउस इज अ ब्रदर, तो ये ब्रदर है तो ये मेल है, ये फीमेल है, इज अ ब्रदर ऑफ योर डॉटर सन, ब्रदर है सबसे पहली बात, तो ब्रदर ऑफ योर डॉटर सन, इसकी डॉटर ये हो गई, ठीक है, एंड आई एम योर ओनली चाइल्ड, आई एम योर ओनली चाइल्ड। ओके, ओनली चाइल्ड है तो यहाँ पे तो आ नहीं सकते हैं, ए सेट टू बी, तो ए इसका ओनली चाइल्ड है, ठीक है, अब ए यहाँ पे आ नहीं सकता क्योंकि ये ओनली चाइल्ड है, तो ए यहाँ पे आएगा शायद और ये बी, ठीक है। सी स्पाउस, ए सेट टू बी सी स्पाउस, सी का स्पाउस इज द ब्रदर ऑफ योर डॉटर सन, ब्रदर ऑफ ब्रदर
हीरा ऑफ ए डॉटर सन एंड आई एम योर ओनली चाइल्ड। ए ही होगा इसकी, मतलब ये ए इसके चिल्ड्रन होगी और बी ऊपर आएगा। ए इज रिलेटेड टू सी पूछा हमसे, ए क्या है, सी का ये मदर इन लॉ है। ए बी डी एच, ए से पी में 15, ऐसे तो नहीं है कुछ भी। 15 15 30, नहीं ऐसे नहीं है। 1 2 4 8, 1 2 4, 16 17, 1 17 2 19, 2 19 4 23, ठीक है 1 2 4 का गैप है। 1 2 4, 7 1 8 और 2 10 और 4 14, ठीक है 1 2 4 का गैप देखने में। 23 24, और इसमें तो नहीं है, 13 1 14 और 2 16 3, 16 और 4 20, 13 1 14 और 2 16, 4 20 होना चाहिए था, ये तो नहीं है। 23 1 24 और क्या गड़बड़ आ रही है, जी एच डब्ल्यू एक्स, 8 और 2 10, 24 और 2 26, ये तो नहीं है। वी एक्स डी ई, 22 24 4 5, जेड ए सी जी, जेड ए 1 1 और 2 3, 3 और 4 7, 1 2 4, एम एन, यही लग रहा है मुझे बी और आंसर है इसका। क्यू आर एस टी क्या बताना है हमें, व्हाट विल द लेटर ऑफ द थर्ड लेटर, तो थर्ड ही लेटर देखते हैं। 6 और 3 9 और 3 12 3 15, 12 आएगा एल। ए बी स्किप करते हैं अभी इसको, ये देख लें एक बार। ए बी कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6, 3 9 3 12 3 15, 3 18 3 21, 3 24, 3 27, 1 28। 28 से तो या तो 7 में टूटेगा, तो 4 में टूटना चाहिए, 7 में तो ज़्यादा हो जाएगा, 4 4 देखते हैं, 4 4 4 4 4, 1 2 3 4, ए बी सी डी, ऐसा लग रहा है मुझे सारे अलग अलग लेटर्स होने चाहिए। अब सबसे पहले देखते हैं, ए बी आ गया तो सबसे पहले तो डी है सब में, तो डी आ गया, चलो ठीक है। फिर ए बी डी आ गया, सी बचा है तो सी आ जाएगा, तो ए हट गया ये और ए भी हट गया, तो बचे ये वाला ऑप्शन, ये वाला, ठीक है सी डी। अब सी डी के बाद डी सी तो आ गया यहाँ पे, सी के बाद डी आया है तो डी नहीं आ सकता दोबारे, तो डी इसमें तो ये हटा दो, एक ही ऑप्शन बचा, कर देते हैं ये आगे। मुश्किल क्वेश्चन है ये वैसे। इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज अ व्हेन विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स व्हेन रोटेटिंग 90 डिग्री क्लॉकवाइज, ओके 90 डिग्री क्लॉकवाइज एंड 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ऐसे क्वेश्चन देखो हमेशा करने कैसे हैं, 90 डिग्री क्लॉकवाइज है और 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो पहले इसको सम यहाँ पे निकाल लो, इसका नेट निकालो, नेट कितना होगा 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो हमसे क्या बोले, कौन सी फिगर को हम 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं कि ये वाली फिगर आ जाए, ठीक है। तो हमें ऑप्शन फिगर को 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, तो इससे अच्छा कर दो कि जो हमारा मतलब आंसर है उसको 90 डिग्री उल्टा घुमा दो, राइट साइड घुमा दो, तो इसको अगर 90 डिग्री हम इधर की क्लॉकवाइज घुमा देंगे तो वही हमारा ऑप्शन हो जाएगा, अगर क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये जो सीन निकले हैं ना ये राइट साइड आ जाएंगे। किस में, राइट साइड बी ऑप्शन में है, बी में ही है सिर्फ। इसमें कौन सा होगा, ये सबसे पहले डमरू तो खड़ा है, सी और ए में है और ये उल्टे सीधे हैं, थर्ड ऑप्शन आंसर है इसका। सिक्स चिल्ड्रन ए बी सी डी ई एफ आर स्टैंडिंग इन अ रो, 1 2 3 4 5 6, ईच चाइल्ड वॉज अ डिफरेंट हाइट, ओके ए वॉज अ शॉर्टर देन ओनली 1%, मतलब ए सेकेंड हाईएस्ट है, ठीक सेकेंड टॉलेस्ट है, दे वर 3% शॉर्टर देन सी, सी से छोटे 3 है, 1 2 3, सी यहाँ पे आएगा, एंड बट टोलर देन ई, टोलर देन ई 3% शॉर्टर देन ई है, टोलर देन ई है, 1 2 3, ठीक है ई यहाँ पे आ जाएगा, डी वॉज टोलर देन एफ और ई वॉज टोलर देन बी, तो बी यहाँ पे आएगा कहीं। हु इज द थर्ड टोलेस्ट पर्सन, थर्ड टोलेस्ट, 1 2 3, सी आना चाहिए, सी तो ऑप्शन में नहीं है, और अगर नीचे से भी देखे शॉर्टेस्ट गलती से पूछ लिया तो ई आना चाहिए, तो दोनों ही ऑप्शन में नहीं है, क्वेश्चन गड़बड़ है, तो हम ये स्किप करते हैं। थ्री ऑफ द फॉलोइंग लेटेस्ट क्लस्टर इन सम वे, ओके 23 रुक गया, 17 18 और 2 17 और 2 18, 2 सॉरी 17 1 18 और 2 20 और 3 23,
एक 17 18 दो 20 और 3 23 12 और 2 14 और 2 16 और 3 19 5 और 2 7 और 2 9 और 3 12 7 और 2 9 और 2 11 और 3 14 तो एक फर्स्ट अलग है। ग्लैमर को लिखा है ये GLAMOURTWQOCNI। 7 12 1 13 15 21 18 20 23 17 15 3 14 9 7 और 13 20 ऐसे तो नहीं है। 7 और क्रॉस में देख लो 7 और 2 9 18 और 2 20 ओके ऐसे ही हो सकता है। 12 और 2 14 21 और 2 23 ठीक ऐसी है। बी सी डी 14 और 2 16 पी किसमें पी और डी ये हट गया ये हट गया। 18 और 2 20 20 किस पे आएगा टी पे। 5 और 2 7 पी जी टी डी थर्ड ऑप्शन है हमारा 5 और 2 7 ठीक है। विकल ए को सी लिख दिया मतलब 2+ हो गया। बी को डी 2+ सी को ई 2+ ठीक है। विकल कितने हुए 22 और 2 24 5 और 2 7 8 और 2 10 9 और 2 11 3 और 2 5 12 और 2 14 5 और 2 7। देखो ये सब रटे हुए हैं मुझे आपको भी याद होने चाहिए तभी स्पीड बढ़ेगी आपकी। XGJ KE XGJKE एक में यूनिट डिजिट सबसे पहले ऐसे होता है यूनिट डिजिट चेक करो 9 7 63 तो मल्टीप्लाई हो सकता है कुछ ठीक है। 19 17 को करो 19 7 133 19 से कम 19 और 13 32 सेम आ गया। खराब हो गई क्या पेन इसकी। 21 नहीं 189 21 से कम 21 और 18 39 ठीक है। 13 76 13 कम 13 और 7 20 गलत है। क्या पूछा है हमसे क्वेश्चन में। सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द गिवन फिगर इज नॉट एम्बेडेड। ओके इसमें नहीं नॉट एम्बेडेड सॉरी नॉट एम्बेडेड है ध्यान से देखना है। तो पहले वाले में है ये हाँ पहले वाले में है और फोर्थ में भी है शायद। फोर्थ में कहाँ है ये फोर्थ में भी है और किसमें है नोट एम्बेडेड बोले ना सेकंड या थर्ड में से है। रोटेशन इज नॉट अलाउड है तो थर्ड होना चाहिए ऐसा तो सेकंड में है। हाँ सेकंड में भी है थर्ड आंसर है। 15 8 120 देखते हैं 15 8 23 होता है। 14 और 10 24 23 का स्क्वायर 529 578 से कितनी दूर है ये। 18 में से 9 17 में से नहीं 6 16 6 में से 2 के 4 मतलब 49 तो बचेगा यार। ओके 24 का स्क्वायर 576 कितना कम है 16। ओ भाई तगड़ा क्वेश्चन दे दो। 49 और 16 कहाँ से है पता चल गया मुझे अब कि 8 और 7 इसका डिफरेंस है 4 इसका डिफरेंस है 4 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। सच में इन्होंने अच्छा क्वेश्चन बनाया है। तो 11 और 9 20 का स्क्वायर 400 नहीं ये नहीं है। 23 का स्क्वायर 529 और 7 और 9 16 9 का स्क्वायर 81 सॉरी 1 और 9 81 और 9 90 और 20 110 ये हो सकता है। 18 24 का 576 और 12 का 144 ये नहीं होगा। 15 15 25 25 625 और एक ही नहीं होगा ओनली सेकेंड। अच्छा था सच में अच्छा क्वेश्चन था वो। 2 5 13 20 9 10 7 5 33 20 गैप सम ले लो 7 33 सुनने से तो कुछ भी नहीं है। डिफरेंस 3 7 1 ऐसे भी नहीं है। नीचे एलसीएम ले लेते हैं सबको बेस सेम। अच्छा इसमें ऐसे कर सकते हैं बेस सेम बना लेते हैं 20 बना लेते हैं सबको। तो इसको 4 से कर दो तो 8/20 13/20 और 18/20
यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है 728/20, 35/20। ओके वे सेम हो गया। आप देखो इनमें 5 5 23 होना चाहिए ऐसे तो। हाँ 23 ही आएगा, 23/20। टी मीन्स डिवीजन, ओके 198। बी मीन्स क्या है? सब्ट्रैक्शन। टी मीन्स डिवीजन 13। वाई मीन्स मल्टीप्लिकेशन 10। के मीन्स एडिशन 31। ठीक है 13 कम 13, 13 9 बचा 13, सॉरी 11, 13 दी मिक्स उतरा 190, 8 और 31 39। ओके ज़्यादा टाइम जा रहा है हमें। ऑप्शन दैट इज नॉट एम्बेडेड, के इसमें भी नॉट एम्बेडेड पूछा है, ध्यान से देखना। तो क्या दिखाई दे रहा है? सारे तो स्क्वायर्स है, मुझे थर्ड सीधा दिखाई दे रहा है कि इसमें कट नहीं है कहीं भी, दिख रहा है कहीं? नहीं कट नहीं है, यही होना चाहिए। ओके इंटरचेंज करना है 17 13 52। 52 और 17 करूँ तो मैं 52 की जगह 17 कर दूँ अगर यहाँ पे, तो डिवाइड होना चाहिए पहली बात तो। 17 7 119 से होएगा ही नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। सबसे पहले 119 हटाना है, मैं 119 एक में ही है, सबसे पहले वही हटाओ। 119 और 13, 17 119 माइनस में 52 23 और 13, 44 13 चलो 52 23 92 और 19 और 8 27 और 17 44 यही है। आपको ये देखना है कौन सी चीज़ हटानी चाहिए नीचे से, ठीक है? इन सर्टेन को लैंग्वेज बैक्टीरिया, BACTERIA, DBCFUBJS, 2 1 3 20 5 18 9 1, 2 और एक लास्ट में S, 19 4 2 3, क्या हो सकता है? 2 और 1 3 3 1 4 1 और 1 2, 20 और 21 5 6 18 19 1 2 9 10। ठीक है लर्निंग LMRSEF, ठीक है RSNO ऐसे ही होगा ना, IJGHNO SFMO, क्या कर दिया मैंने ये AB, सॉरी AB आएगा यहाँ पे, AB कहाँ गया? ABLMEF, ठीक है BFMO BFMOSHOJ थर्ड ऑप्शन। सोलह 30 11 41 1982, ओके 12 15 17 54 16 और 36 का डबल होगा, 36 माइनस 16 20। यार ये जीके क्वेश्चन कहाँ से आ गया? 2016 इज रिलेटेड टू रियो ओलंपिक्स इन द सेम वे 2012 इज रिलेटेड टू एथेंस, नहीं था शायद, टोक्यो तो अभी हुआ था यार, लंदन और बीजिंग में से है, बीजिंग शायद, पता नहीं मुझे, तो तुक्का ही मार सकते हैं, लंदन पे मार देते हैं। एक बार बार एक क्वेश्चन रह गया जो गलत था, ठीक है जीके बाद में करेंगे, मैथ्स कर लेते हैं फटाफट। अ कॉनिकल वेसल मेड ऑफ आयरन, कॉनिकल वेसल है, ठीक है देखते हैं मैथ की स्पीड, अब चेक करते हैं। पिछली बार मैंने थंबनेल लगा दिया था 15 मिनट और मैंने करा था कुछ 20 मिनट में। मैं सोचा था कंट्रोवर्सी होगी, ज़्यादा व्यूज आएंगे इस बार, और भी अच्छा थंबनेल लगाने वाला हूँ। तो कॉनिकल वेसल इज मेड अप ऑफ आयरन, कॉनिकल है ठीक है, आयरन की बनी है, इट बेस रेडियस 7, हाइट है 15, विद द वेट ऑफ द आयरन पर क्यूबिक सेंटीमीटर, वेट पर क्यूबिक मतलब केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर क्यूब इज 15 ग्राम। तो जब भी क्यूबिक में होता है तो ये डेंसिटी होती है, ठीक है इस चीज़ को हमेशा याद रखो, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन में वॉल्यूम होती है। तो डेंसिटी हमें पता है, वॉल्यूम हम निकाल लेंगे, हमें क्या पूछा है? फाइंड द वेट ऑफ द वेसल, वेट का मतलब यहाँ पे मास से होता है, ठीक है तो मास क्या हो जाएगा इसका? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी कितनी है? 15 ग्राम, ठीक है 15 ग्राम है तो इसको 1000 से डिवाइड करो, केजी में आ जाएगा, वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है 7 से 7 कटा 3 5 15 5 7 35 और 22 5 110 22 से 66 और 11 से 70 और 0 से 0 कटा 15 7 105 15 7 105 और 10 115 और ये 00 11.55 kg। ओके
कोस स्क्वायर 45, 1/2 माइनस साइन स्क्वायर 30, 1/2 सॉरी 1/4 प्लस में ये 1/3, ठीक है। 2 cos² 50 माइनस 2 cos² θ माइनस 1 क्या होता है, cos 2 θ। cos 2 θ मतलब cos 30 का स्क्वायर, cos 30 का स्क्वायर कितना होगा, sin 60, √3/4, √3/2, 3/4, ठीक है। तो इस कैल्शियम लोगों से 3 × 12, 6 − 3 प्लस में 4, 6 × 10 − 3, 7/12 इंटू 4/3, 4 × 12, 7/9। जल्दी जल्दी करने हमें क्वेश्चन, ठीक है। 9a प्लस में 1/10a = 1, 10a प्लस में 1/11c = 1, वट इज़ द वैल्यू ऑफ 11c प्लस में 1/9a। तो हमें 11c और 9a की अलग अलग वैल्यू चाहिए, और कुछ तो हम 10/9 में से इंटू कर सकते हैं। 10/9 से करेंगे तो 10 बाय 9a से करेंगे तो ए से नहीं करना हमें, 10/9 से करेंगे तो 10a प्लस में 1/9a = 10/9, हमें 9a नीचे चाहिए, 10a इधर, 10 इधर क्या करें, 11 ऊपर चाहिए, 11c/a से करना पड़ेगा, 11c प्लस में 1/10a, 11c/a। अभी कटेगा कैसे, हमें क्या चाहिए, 11c प्लस में 1/9a, तो इन दोनों कट नहीं कटेगा ऐसे तो यार, और 11c की वैल्यू निकाल लेते हैं डायरेक्ट, 11c यहाँ से निकालते हैं, तो यहाँ से कितना जाएगा, 1 − 10a = 1/11c, 11c = 1/1 − 10a। ओके, ये पुट करके देखते हैं, 9a = 1 − हमें क्या चाहिए, 9a, 9a = 1 − 1/10a, तो 10a − 1/10a, ठीक है। तो इन दोनों को अगर क्या करना है, हमें ऐड करना है, 1/1 − 10a प्लस में 10a − 1/10a, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम लिया, 1 − 10a 10a, तो ये 10a प्लस में 10a − 1, क्या हो रहा है, गड़बड़, तो 2 10a − 1 स्किप करते हैं अभी के लिए ऐसे। सम ऑफ रुपीज 4500 बिकम्स 7875 आफ्टर 5 years एट द रेट ऑफ आर परसेंट सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, ये 5 साल में कितना इंटरेस्ट आया, 5, 7, 8 में 3, 7 में 5 गया, 7 में 4 गया 3, 5 साल में इतना है, तो 1 साल में कितना आ जाएगा, 5 30, 5 7 35, 7 5 25, 6 75, तो इसका रेट कितना आ जाएगा, 675 = 4500 इंटू आर बटे 100, तो आर कितना जाए, 15 15 15, 15 16 15, 3 15, आर इसकी वैल्यू 15 आ गई, आर माइनस 5 = 5, ठीक है। 20% मोर, 3/20 से 20/1/5 = 6, 3 6 18, ये भी ठीक है, ठीक है, दोनों सही है, हमसे क्या बचा, ट्रू। √6 − √5 ये हमें स्किप करना चाहिए अभी, देखते हैं बाद में यार, कैलकुलेटर का यूज़ करके। म्यूजिक सॉरी म्यूजिक पढ़ रहा हूँ, मुस्कान अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 48 डेज, वाइल रूमा एंड सीमा टुगेदर कैन कंप्लीट द 50% ऑफ द, 50% मतलब 1/2 20 में कर रहे हो, तो एक कितने में करेंगे, 40 में, ठीक है। तो 48 और 40 का कितना होता है, 240, 5 6, तो मुस्कान की 5 है, रिस्पेक्टिव रेशियोज एफिशिएंसी, रूमा एंड मुस्कान, रूमा एंड मुस्कान की एफिशिएंसी कर रहे हो 3:8, मुस्कान की हमारी 5, एफ की वैल्यू 5, एक की वैल्यू 5/8, ठीक है। तो हमें क्या पूछा, इन हाउ मेनी डेज सीमा अलोन, सीमा की पता करनी है, तो रूमा की कितनी आई, 3 × 15 * 8, तो इसकी बचेगी 6 − 15 * 8, 8 * 48 = 33 * 8, तो इस पर टाइम कितना लगे, 240 * 33 * 8, 3 11 3 80, 3 8 24, 8 6 40 डिवाइड बाय क्या है, नीचे 11 है, सॉरी, ए कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 36 डेज, वी कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज, 180 एलसीएम है, 34 × 5 = 30, ए स्टार्ट द वर्क अलोन एंड आफ्टर 3 डेज, ओके, 3 दिन तक ये ना करा, बी जॉइंस ए प्लस बी, देन फेंडर टोटल टाइम, टोटल टाइम पूछा इस बार, ध्यान से देखना है, तो 3 दिन में ए कितना काम करे, 3 × 15 बचा कितना, 165, बी और ए दोनों मिलकर अगर 6 × 11, 11 कम 11, 11 × 5 = 15, 15 दिन यहाँ पे हमसे टोटल पूछा, 15 दिन यहाँ पे, 3 दिन यहाँ पे, 18 दिन आंसर है, ठीक है, 15 दिन ऑप्शन में है, वही करके आगे बढ़ जाएंगे बच्चे। 13 × 19 प्लस में 3 / 6, 6 × 12, 1 × 19 प्लस में 3, तो 4 बच जाएगा, ठीक है। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर
क्यू एंड आर आर एक्सटेंडेड टू फॉर्म पी क्यू एस. पी क्यू एस किधर आना चाहिए, नीचे तो आ नहीं सकता तो इधर ही आएगा. पी क्यू एस और पी आर टी. ओके पी क्यू एस कितना है हमारे पास, इफ पी क्यू एस 101 तो ये कितना बचेगा 79. पी आर टी 107 है, इधर बचेगा 73. वट इज द मेजर ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ पी क्यू आर, 9 3 12, 8 8 7 15, कितना बचेगा 28. नंबर का सोल्व है सीन 2018, सीन ने 2018 में कितना करा है 76. एक्सीड द एवरेज नंबर ऑफ कार्स सोल्ड बाय कंपनी ए इन ड्यूरिंग 2014 से 18. तो 14 से 18, 2 और 3 2 5, 14 7 और 3 10, 7 और 5 12, और 7 19 6 25 5 30. डिवाइडेड बाय कितना है, 1 2 3 4 5 60. 60 से कितना ज़्यादा है 16, तो हमें 1000 में पूछा है. एक्स इज इक्वल टू दिस, वाई इज इक्वल टू दिस, देन द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच एक्स इज इक्वल टू 3 वाई. ओके जो दिया है हमें पुट कर देना बस. एक्स की वैल्यू ये, एक्स 5/7, ए माइनस 2 इज इक्वल टू 3 वाई, 3 दूनी 6, ए प्लस में 4, 5 ए माइनस में 10 इज इक्वल टू 6 42, ए प्लस में 42 168. तो इधर से कितना बचेगा, माइनस में आ रही वैल्यू, माइनस में है ऑप्शन. हाँ 37 ए इज इक्वल टू माइनस 178, ए की वैल्यू 178 अपन में 37 माइनस का. शॉपकीपर गेंस 21% आफ्टर अलाउंग डिस्काउंट ऑफ 12% ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज इफ द आर्टिकल इज सोल्ड एट मार्केट प्राइस अलाउंग नो डिस्काउंट. अब देखो इसमें डायरेक्टली मार्केट प्राइस पे सोल्ड करें ना, सीपी और एसपी, सीपी और एमपी का रेशियो लिख दो डायरेक्ट. सीपी एमपी का रेशियो क्या होता है, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज 88 रेशियो 121, 11 8 11 11, 3 11 कितना ज़्यादा, 3/8 37% ओके. साइन 66 प्लस वाई इंटू कोसेक 23 डिग्री इजिकल टू साइन 67 डिग्री, देन वैल्यू ऑफ पाई के 2 sin θ. एक सेकेंड रुको यार. साइन 66 प्लस में वाई कितना हो जाएगा हमें नहीं पता, कोसेक है इसको साइन में कर नहीं सकते. काम करते हैं साइन 66 प्लस में वाई, साइन 23 इजिकल टू 2 sin 67. 23 को एक काम करो उधर भेज दो ठीक है. साइन 66 प्लस में वाई कितना हो जाएगा 2 sin 67 इंटू साइन 23 ठीक है. अभी 2 sin है साइन भी बन गया. 2 sin ए साइन भी क्या होता है, कोस कोस ए माइनस बी क्या होता है, कोस ए माइनस क्या होता है, कोस ए माइनस बी, 2 sin a sin b, कोस ए प्लस बी. अच्छा हाँ ठीक है याद आ गया, कोस ए माइनस बी माइनस में कोस ए प्लस बी होता है 2 sin a sin b ठीक है. तो कोस ए माइनस बी कितना हो जाएगा, ए माइनस बी, ए माइनस बी कितना होता है 4 और 4 44 माइनस में कोस ए प्लस बी, कोस ए प्लस बी मतलब 90. ए प्लस बी कितना है, कोस 90, ये तो 0 हो गया. कोस 44, कोस 44 कितना साइन में चेंज कर दो, साइन साइन कितना होगा ये 46, 46 4 50 90 ठीक है. तो इसको 46 में करना है, वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर, माइनस माइनस 20, माइनस 20 है ऑप्शन में. हाँ अच्छा क्वेश्चन था ये. इन ए क्वाड्रेटर पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, आर एम परपेंडिकुलर क्यू एस, क्यू एस बनाओ सबसे पहले. तो आर एम यहाँ पे आ गई, क्यू एस इज इक्वल टू 6, और पी एन परपेंडिकुलर क्यू एस, पी एन परपेंडिकुलर क्यू एस, आर एम इज इक्वल टू 3, आर एम इज इक्वल टू 3, पी एन इज इक्वल टू 2, जनरल एरिया ऑफ पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस का एरिया आ जाएगा डायरेक्टली आता है इसका, तो 1/2 बीच के लिए मतलब जो है ये डायगनल डी वन 6 और इनका सम 5, 3/15. डायरेक्टली करना है, डायरेक्टली कर सकते हो वरना दोनों का हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट लगाओ तब भी हो जाएगा. मैंने ये सब ज्योमेट्री में पढ़ाया हुआ है, जो लास्ट क्वेश्चन था मैंने ज्योमेट्री में कराया हुआ है वैसे क्वेश्चन ठीक है.
ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड डी ए बी इज इक्वल टू 14 40 सॉरी डी ए बी 40 है, ओ सेंटर है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल सी डी है तो ये 40 हो जाएगा, ठीक है। हमें क्या पूछा है, देन वेदर ऑफ सी ई डी, सी ई डी ये कैसे निकालेंगे हम, ओ को सबसे पहले तो मिला दो यहाँ से, ये 40 है तो ये 40 हो गया, 40 40 80, ये 100 बचा, ये 100 है तो ऊपर बना दिए तो हमने, ये इसका आधा हो जाएगा कितना 50, और ये साइक्लिक हो गया तो 130। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। द सेंटर ऑफ द सर्कल इज ओ, के के एल इज अ कोड इन द सर्कल, के एल कोई कोड है, एल एल एम इज अ टेंजेंट, ये टेंजेंट मान लिया ठीक है, एल एम इज अ टेंजेंट ऑफ सर्कल एट पॉइंट एल, ओ के एल 40, ओ के एल, ओ के एल 40 डिग्री, पॉइंट के ओ एम आर को लीनियर, के ओ एम मतलब ये है एम यहाँ पे आएगा, ठीक है। दे लाइन ऑन अ स्ट्रेट लाइन एंड फाइंड द मेजर ऑफ ओ एम एल, ओ एम एल ये पूछा है हमसे, ये डायरेक्टली तो निकल नहीं सकता क्योंकि ये 90 नहीं है, अगर इसको हम यहाँ से मिलाए तो ये 90 है, ठीक है, ये 90 है, ये रेडियस है, ठीक है, दोनों रेडियस, तो ये 40, तो 40 40 80, ये 100, ये 80, ये 80 है, ये 90 है, तो 170, ये बचा 10 डिग्री। अरुण गो 6 किलोमीटर अगेंस्ट द करंट इन द स्ट्रीम इन वन आवर, तो एक्स माइनस वाई कितना है, 6, 5 किलोमीटर अलोंग द करंट, मतलब 5/1 x + 5 इज इक्वल टू 20 मिनट्स, मतलब 1/3 आवर्स, 5 से 15, एक्स प्लस वाई कितना आ जाएगा, 15। हाउ लॉन्ग विल इट टेक हिम टू गो 21 किलोमीटर स्टेशनरी वाटर, मतलब एक्स की वैल्यू चाहिए हमें सबसे पहले, तो एक्स कितना आ जाएगा, 15 6 21 का आधा 10.5, तो 21/2 में 10.5 हमसे पूछा है, इज इक्वल टू 2 आवर्स। स्टेशनरी वाटर में पूछा है इसने कि मतलब सिर्फ बोट चलेगी, वाटर नहीं चलेगा, ठीक है। हमसे क्या पूछा, हाउ मच परसेंटेज मोर देन मेडिसिन, ओके देखो अब इसमें डिग्री में दिया होता है तो परसेंटेज में पूछा है आपसे, तो ये जरूरी नहीं है आप सबको चेंज करोगे, ठीक है, यहाँ पे आपको टाइम बचाना है, टाइम कैसे बचाना है, डायरेक्टली परसेंटेज निकल जाएगी, हाउ मच परसेंटेज मोर देन मोर इज स्पेंट ऑन मेडिसिन, मेडिसिन में कितना है 77.5, एंड रेंट, सॉरी रेंट भी है इसके साथ, रेंट में कितना आ जाएगा है 77 78 और 87 187, कितना ज़्यादा है किससे। देन पेट्रोल क्लोथ एंड फूड, पेट्रोल क्लोथ एंड फूड ये तीन होंगे, 50 और 40 90 80 170 173 से कितना ज़्यादा है, 14 ज़्यादा है 173 से, ठीक है, इंटू दो मतलब 100 से कर दो, अब ये डायरेक्टली तो दिया नहीं हुआ है तो इसको फ्रैक्शन में तोड़ दो, 207 1400 होते हैं, हम देखो हमें पता है, ठीक है, 207 होते हैं तो 173 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, पास में हो सकता है, लेकिन ये देखो यहाँ पे 7 से तो ज़्यादा ही होगा, ये ज़्यादा दूर हो जाएगा, इन दोनों में से 8 सबसे नज़दीक 8 ही होना चाहिए, 8 से मल्टीप्लाई करके देखो, 8 से 24, 8 से 56 और 2 58, 8 के 5 13, 13 84 आ गया, और कितना बचा 16, तो डायरेक्टली हमें दिख रहा है, ऐसे कैलकुलेशन आपको तेज़ करनी है, ठीक है, मैं कोई पहले से डिसाइड करके नहीं आया कि मेरे को सिर्फ उसी से मल्टीप्लाई करना है, मैं भी यहाँ पे हिट एंड ट्रायल कर रहा हूँ, लेकिन उसके आसपास हिट एंड ट्रायल करना है आपको हमेशा, ठीक है। इन अ मिक्सचर ए रेशो मिल्क एंड मिल्क टू द मिक्सचर, रेशो मिल्क टू द मिक्सचर, मिल्क टू द मिक्सचर, ओके एंड ए एंड बी आर मिक्स इन द, यार मिक्सचर एलिगेशन रह नहीं दो अभी, स्किप करो इसे। इन फैक्ट्री ऑफ 1350 वर्कर्स द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल 1118, 18 7 184 90, ठीक है, 7 5 35, 7 79 82 52 मेल हो गए, 11 5 55, 11 7 75 5 82, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ 2/3 ऑफ द नंबर ऑफ मेल वर्कर्स, 2/3 ऑफ द मेल वर्कर्स, 2/3 ऑफ द मेल वर्कर्स, 3 4 सॉरी 3 3 3 3 5 2 350 प्लस में 3/5, 5 1 5, 5 1 30, 5 5 25, 3 5 15, 3 6 19, 3 3 1 4, 5 गलत तो नहीं कर दिया मैंने, 3 5 15, 3 2 6 7 है, 3 8 क्या कर दिया मैंने, ये 5 6 सॉरी 5 1 5, 5 1 30, 5 5 25, 3 5 15, 3 6 18 19, 3 1 3 1 4, सब जाने सही तो था, 5 9 5 14, 5 और 3 845, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल इज 1400, आउट ऑफ विच 35% स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, और 35% स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, ओके तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, 35 चौक 140, 35 में 35 और 14 49,
गर्ल्स होगी, बॉयज कितने हैं 65%, कितने बचेंगे इसमें से माइनस कर दो, बस इसमें से माइनस करो 500, 910, ठीक है। 80% ऑफ द बॉयज आर बॉयज एंड 90% ऑफ द गर्ल्स पास इन एनुअल एग्जामिनेशन, तो हमें क्या बच्चा फ्रेंड परसेंटेज स्टूडेंट्स को फेल। अब देखो 80% फेल पूछा है तो हमसे इसका कुछ काम ही नहीं है, डायरेक्टली फेल वाले निकल। 20% फेल होंगे बॉयज, तो 20% कितना, 1/5, 18, 182, ठीक है। इसका 10%, 49, ये फेल है। 2 और 9, 11, 9 और 4, 13, और 231 फेल है। हमसे क्या पूछा है इससे कितना परसेंटेज है हु फेल्ड, किसका टोटल का, 14 से 14 14 14 6 84 7 14 17 16.5%, ओके। इसको देखो, अब ऐसे क्वेश्चन आप है ना 3 4 5 से भी कर सकते हो, 3 4 5 मान के, ठीक है। अगर कभी भी फंस जाओ तो ऐसे क्वेश्चन हमेशा ऐसे कर देना, आ जाएगा आंसर, ठीक है। लेकिन अब इसको हम डायरेक्ट सोल्व करने की कोशिश करते हैं। 1/cos थीटा प्लस में इसको साइन कोस में करोगे तो ये साइन अपन में कोस, 1/cos, सो कोस ऊपर चला गया, नीचे बचेगा साइन थीटा माइनस वन, ठीक है। एलसीएम लो, कोस थीटा साइन थीटा माइनस वन, और साइन थीटा माइनस वन प्लस में कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो ये कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन, इसको उल्टा लिख दो, 1 - cos² θ, तो साइन थीटा, तो 1 - cos² θ क्या, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, कोस थीटा साइन थीटा माइनस वन, इसमें से साइन थीटा कॉमन लोगे, 1 - sin θ, कोस थीटा साइन थीटा माइनस वन, तो उल्टा कर जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस का 10θ आंसर आ गया। ये पिछले में भी आया था ऐसे क्वेश्चन, कैसे करते हैं बता देता हूँ। 2x + 5 है, प्लस में √2x, इसको 9 है, और ये हमसे पूछा है √2x + 5 है प्लस, सॉरी माइनस 2x = x मान लिया, ठीक है। इसको कैसे करना है, ये है a प्लस बी और ये है a माइनस बी। सबसे बेसिक तरीका बता रहा हूँ, कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। a प्लस बी और a माइनस बी दोनों को इंटू कर दो, दोनों को इंटू करोगे तो क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करोगे तो 2x + 5 है, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर कितना आ जाए, 2x = कितना है, इसको इंटू करो 9ax, तो 2x से 2x कटा, 5a = 9ax, ए से ए कटा। हमसे क्या पूछा है, क्या पूछा है हमसे, जब x की वैल्यू तो पूछी थी, या x की वैल्यू कितनी है, 5/9, ठीक है। पाइप ए कैन फिल इट एंगिन 18 आवर्स, ऐसे क्वेश्चन तो देखो आपके माइंड में होने चाहिए कैसे करने हैं। मेरा माइंड अपने आप चलता है, जैसे वो बोल रहा है अपने आप लिखता जा रहा है, ठीक है। पाइप बी कैन कम्प्लीट एम टी इन 18 54 आवर्स, बी कितने में कर रहा है, 54 में एम टी कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो जल्दी से लिख लो कैपेसिटी कितनी, 54 58 54 54 54, एंड द टाइम टेकन टू फिल द टैंक इन इफ बोथ टैंक्स आर ओपन अल्टरनेटिवली फॉर 1 आवर ईच स्टार्टिंग विद पी, ठीक है। तो पी सॉरी पी एंड क्यू थे स्टार्टिंग विद ए, सॉरी ए, तो ए पहले में कितना भरेगा, 3 भर देगा, ठीक है। फिर दूसरे घंटे में बी आएगा, खाली कर देगा 1, तो 2 घंटे में कितना भर हो रहा है, 2 भर रहा है, ठीक है। अब डायरेक्टली मैं 27 भी लिख सकता हूँ, लेकिन हमेशा याद रखना कि जब भी ये आपको अल्टरनेटिवली वाला आता है तो जो ऊपर होता है इसको माइनस करके लिखना हमेशा, ठीक है। 27 से 51 के पास जाना है पहले आपको, तो इसको क्या कर दो, 26 से कर दो, चलो 26 से करोगे तो 26 दूनी 52 घंटे में 26 दूनी 52 लीटर भर गया, ठीक है। अब कौन आएगा, ए आएगा, तो 53 घंटे में, 53 में क्यों यार गलत है क्या कुछ, 26 भी नहीं लेना चाहिए था, 25 नहीं सही है, 52 भर गया। अब 53वें घंटे में ये आएगा, तिरपनवे में क्या आएगा, ए आएगा, तो 53 में कितना है, 3 भर देगा, 55, तो 54 घंटे में 53 होना चाहिए था वैसे तो यार इसका आंसर, क्योंकि 53वें में वो पूरा भर जाएगा, मतलब 52.5 कह रहा हूँ, तो अब 54 ही है उसके आसपास, तो 54 में क्या होगा, तो खाली कर देगा, 54 भर जाएगा, और क्या, स्किप करते हैं, मतलब स्किप नहीं, 54 लगा के आगे बढ़ते हैं, बाद में चेक करेंगे दोबारा। व्हाट विल बी द सिंप्लीफाइड वैल्यू फॉर्म ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन, ए क्यू माइनस बी क्यूब है, तो ए माइनस बी, 5a + b - c, किस में है, एक में ही है वैसे तो, और अंदर क्या आ जाएगा, 1 स्क्वायर, 25 a² प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 10ab माइन प्लस में 5a + b * c, ठीक है। कौन सा, बी ऑप्शन में है, कौन से क्वेश्चन रह गए हमारे, 69 53 54 53 55 53 55, कौन सा छोड़ दिया यार मैंने, 55
मैथ्स में यार 4 क्वेश्चन छोड़े हुए हैं मैंने। ठीक है इंग्लिश करते हैं पहले, फिर देखते हैं। इंग्लिश कर लो फटाफट। ही हैड टेस्टेड द फूड बिफोर शी केम। द फूड ही हैड टेस्टेड द फूड, द फूड हैड बीन। इसमें कोई चेंज नहीं होता है। द नाइट ऑलवेज ट्रेवल टू द कैसल ड्यूरिंग नाइट। ड्यूरिंग नाइट तो लास्ट में नाइट ही आएगा और स्टार्टिंग में नाइट आ नहीं सकता। ठीक है। वी हैड टू पेंट एन अपार्टमेंट। एक्सीडेंटली सही है ये। नेसेसरी NECSSARY नेसेसरी। नेसेसरी में सिंगल सी आता है शायद। कोनोइजर ठीक है। एग्जैगरेट ठीक है। और द हीटेड आर्ग्यूमेंट रिजल्टेड इन डिस्कॉर्ड मतलब होता है क्वेरल। ठीक है। एप्लीकेशन भी होती है तो क्वेरल का हमें क्या बताना है। एंटनिम। क्वेरल का एंटनिम क्या होगा। वो सेंग्विन मतलब हेल्दी, एनिमोसिटी घृणा करना किसी से, प्रोफंडिटी मतलब वेलनेस शायद, कोऑपरेशन ही होगा। आई एब्सोल्यूटली बिलीव इन। बिलीव इन टू द पावर। बिलीव इन। आई एब्सोल्यूटली बिलीव टू द पावर। आई एब्सोल्यूटली बिलीव इन टू द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। बिलीव इन द पावर। बिलीव इन टू होना चाहिए। अ पार्ट ऑफ मी फाइंड सोलेस इन द क्वाइट मोमेंट्स ऑफ रिफ्लेक्शन। अ पार्ट ऑफ मी फाइंड्स, पार्ट मतलब फाइंड्स होना चाहिए इसका। ठीक है। इफ इट विल स्नो टुमोरो वी विल हैव। जब भी दो जगह विल आए तो एक जगह से हटा दो और वो कब बैठेगा पहले वाले से। इफ इट स्नो टुमोरो ये होना चाहिए इसका। ठीक है। यू हैव ए रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टीच योर चिल्ड्रन। द गवर्नमेंट स्कीम एम टू सपोर्ट लोकल फार्मर्स बाय प्रोवाइडिंग सब्सिडीज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ लार्ज बिल्डिंग फॉर स्टोरिंग ग्रीन्स। ग्रेनरी, कलिनरी, सेमिनरी, ग्रेनरी होता है। हे हाउ इज योर डे गोइंग। तो इसका क्या होगा। इट्स बीन अ लिटिल हेक्टिक। बी से स्टार्ट होना चाहिए तो और तो है ही नहीं ऑप्शन है। इट्स बीन अ लिटिल हेक्टिक व्हाट्स बीन कीपिंग यू बिजी। आई हैव बीन वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट। ठीक है यही होगा। बी द प्रोबेबिलिटी पोस्टुलेट्स ऑन द आर्ग्यूमेंट्स सेवरल अथॉरिटी जस्टिफाइड। नहीं ऑन द आर्ग्यूमेंट से स्टार्ट नहीं होगा। सी ऑफ द नहीं होगा। सेवरल अथॉरिटीज जस्टिफाई द प्रोबेबिलिटी पोस्टुलेट्स ऑफ स्लीपिंग पिल्स विदाउट रिलाइंग ऑन द आर्ग्यूमेंट्स। यही होना चाहिए। आई एम फीलिंग अ लिटिल अंडर द वेदर मतलब इल है वो, नॉट वेल है। ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस। ग्रेट्यू सॉरी ग्रेचुचियस क्या बोलते हैं यार इसको। कैप्रीशियस, मोमेंटस, मोमेंटस तो नहीं होगा। परस्पिकेशियस नहीं। यही लग रहा है मुझे। ग्रेटिट्यूटियस जो भी है ये सिंपल लगाओ, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। इम्यूनिटी इज द बॉडीज। इम्यूनिटी इज द बॉडीज डिफेंस सिस्टम दैट प्रोटेक्ट्स के प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट इन्फेक्शन डिजीज एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस। इट कंप्राइजेस वेरियस मैकेनिज्म एम्ड एट आइडेंटिफाइंग एंड न्यूट्रलाइजिंग pathogens like bacteria, viruses and other invaders. The immune system includes the white blood cells, antibodies, lymph nodes and organs like the spleen and thymus. When a pathogen enters the body, the immune system recognizes, forgets, merges, amplifies. Immune system merges its foreign and triggers response. Nahin, recognizes it as foreign. Okay. Foreign and triggers a response to defend against the threat. That this response involves producing antibodies to fight the sunshine, fight the specific invader and developing memory cells to remember the pathogen, enabling a quicker response. So if exposed again in the future, a healthy lifestyle including balanced diet, regular exercise, sufficient sleep and managing stress supports a रोबर्ट। रोबस्ट का मतलब क्या होता है, कठोर। अब बाकी देखो ऑप्शन ही क्या है। फीबल, डेलिकेट, टिमिड मतलब तीनों सिमिलर हैं, एक अपोजिट है। रोबस्ट रोल इन स्ट्रेंथनिंग इम्यूनिटी बाय प्रोवाइडिंग द बॉडी विद अ ब्लूप्रिंट टू रिकॉग्नाइज एंड फाइट स्पेसिफिक पैथोजेंस। अब क्या चला गया इसका। एडिशनली वैक्सीनेशन प्लेज अ क्रूशल नेग्लिजिबल रिडंडेंट नहीं क्रूशल रोल। द टॉक्स वर डिपेंडेंट ऑन अ रिनंसिएशन ऑफ टेररिज्म। फ्रीडम का उल्टा बताना है यार। फ्रीडम का उल्टा टॉक्स हो नहीं सकता।
डिपेंडेंट हो सकता है, रिनंसिएशन मतलब बचाव करना होता है, टेररिज्म करना मतलब गुंडागर्दी, फ्रीडम का उल्टा है यहाँ पे तो डिपेंडेंट तो इंडिपेंडेंट का उल्टा होगा। इंडिपेंडेंट का मतलब फ्रीडम से नहीं होता है, टेररिज्म ही होना चाहिए फ्रीडम का उल्टा। कंजर्वेशन इनिशिएटिव सच एज रिफोरेस्टेशन प्रोजेक्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ एफर्ट्स कंट्रीब्यूट टू नेचुरल हैबिटेट, नहीं होता हैबिटेट होता है। माई पेन हैज बीन स्टोलन, समबडी हैव नहीं द पेन, समबडी हैज स्टोलन माई पेन। रेस्ट करना मतलब रिलैक्सेशन, और क्या होगा इसका सिनोनिम बताना है। माई एल्डर ब्रदर सेड आई मस्ट लर्न ड्राइविंग रूल्स, माई एल्डर ब्रदर सेड ही हैड टू लर्न, नहीं ही मस्ट बी लर्निंग, ही शुड बी वुड भी नहीं होना चाहिए। दैट इज सैड टू नेगोशिएट, नेगोशिएट मतलब डिस्कस कर रहे हैं, और क्या है हमें सिनोनिम बताना है। सर्च करना नहीं होगा, कॉज हाईलाइट नहीं, डिस्कस ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट मैथ्स भी करनी है, मैं जीके कर लेते हैं फटाफट। विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियोडिक टेबल इज रिलेटेड टू नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन का जो है 14 होता है, कौन सी ग्रुप में है ये तो पता नहीं मुझे। नाइट्रोजन किस में हो सकता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, 13, कैसे बताऊं मैं ग्रुप 13 ग्रुप में हो सकता है। उस्ताद शफात अहमद, नहीं पता मुझे, कह रहा हूँ मैं फूलेंगे सीट 58 जनपद, जावेद अख्तर हो सकता है। कुतुबुद्दीन ऐबक फंडियर स्लेव डेंस, शी वॉज द जनरल किंग ऑफ, कुतुबुद्दीन ऐबक कितने मैंने गजनवी का था ये। द कोक फ्लोट्स वेल, नील सिंक्स इन द वाटर बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन देयर मासेस, क्लोक सॉरी कॉर्क, कॉर्क तैरता है जबकि कील डूब जाती है। तो डेंसिटी नहीं, मास, मास पर वॉल्यूम्स, शेप्स नहीं, मास मतलब क्या फैट, डेंसिटी इसकी वैसे ही होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज नॉट करेक्ट, गंगा, सोन, गोदावरी, मंजीरा, इनकी ट्रिब्यूटरीज हैं शायद। नर्मदा की, सबरी, कावेरी की, अक्रावती, नर्मदा की नहीं लग रही, बी सी और डी में से था कुछ। इस रीजन बिहाइंड द ऑब्जर्वेशन डे ऑफ डिलीवरेंस, नहीं पता। इंडिया रैंक हेनली पासपोर्ट में 85 अराउंड ही होती है, इसलिए मैं तुक्का मार रहा हूँ। क्रॉसिंग ओवर अकर्स ड्यूरिंग विच ऑफ द फेज ऑफ मियोटिक डिवीजन, नहीं पता। लेकिन इसरो ने कहाँ किया था नहीं पता मुझे, सॉन्ग सब नहीं पता, फोन एक्सचेंज फॉर्म का नहीं पता। स्प्लिटिंग ऑफ बीम वाइट लाइट इंटू डिस्पर्जन होती है, कलर्स, डिस्पर्जन मतलब फैलना, रिफ्रैक्ट नहीं होगी, यही होना चाहिए। डांस स्टाइल हमें नहीं पता, ये नहीं पता। खिलाफत कमेटी नहीं पता, रिमिनेशन अटॉर्नी जनरल डिटरमाइन बाय पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। इन आर कंस्टिट्यूशन विच ऑफ रिलेटिव इंडियन टेरिटरीज, नहीं पता। विच ऑफ द फॉलोइंग नहीं पता मुझे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रबी क्रॉप, नॉट अ रबी क्रॉप, वीट है, मस्टर्ड, पैडी, जो बेरली, जो बेरली तो है ठीक है, मक्का नहीं है शायद, मस्टर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग नहीं नहीं पता मुझे, आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी होता है, और 20 क्या है, राइट टू मेंशन, नहीं। 20 कन्फेक्शन ऑफ ऑफेंसेस है, 20 का डी का फर्स्ट ए का फोर्थ एक में है। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, नहीं पता मुझे। अकॉर्डिंग टू सेंसस व्हिच ऑफ स्टेट हैज लो सेक्स रेशियो, हरियाणा में होना चाहिए, हरियाणा में। चल एशियन गेम्स मेडलिस्ट, नहीं पता मुझे। ठीक है, जितने भी हो गए, रीजनिंग में 12 क्वेश्चन तो गलत है ही, मैथ्स में रह गए हैं अब 12 मिनट बचे हैं। नहीं नहीं प्लस में 53वां एक रह गया, 55वां, 69वां, 53वां कर लेते हैं। 9a प्लस में 1 बाय 10a इज इक्वल टू 1,
तो 9A की वैल्यू निकालते हैं पहले, तो 9A क्या हो जाएगा, वन 9A इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाय 10A, 10A माइनस 1 अपॉन में 10A, ठीक है। तो ये पुट करें तो 10A माइनस 1 अपॉन में 10A, फिर 11C इज इक्वल टू कितना आएगा, 1 बाय 11C इज इक्वल टू 1 माइनस 10A, तो 11C इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस 10A, क्या कर ले, 1 माइनस 10A, ठीक है। तो 9A की वैल्यू तो ये थी ना, इसको उल्टा होएगा, तो ये भी तभी गड़बड़ हो गई थी पिछली बार, 10A अपॉन में 10A माइनस 1, ठीक है। 11C की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन 1 माइनस 10A प्लस, तो ये माइनस कर दो इसको और इसको उल्टा कर दो, 1 माइनस 10A, ठीक है। 1 माइनस 10A कॉमन लिया तो 1 माइनस 10 ऊपर आ जाएगा, नीचे भी 1 माइनस 10 बचा, ठीक है, हो गया 1 हो गया आंसर। ओके पचपनवा, ऐसे तो कर नहीं सकते, या तो कैलकुलेटर से चीटिंग करो या फिर खुद से सोल्व करो, 3 3 डिजिट तक कर ही लेते हैं। √6 कितना होता है निकालते हैं पहले, 2 दुनी 4, ठीक है, सॉरी 2 दुनी 4, 2 बचा 0 0, 2 2 4 पॉइंट लगाया, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17, 24 बचा, 00, 44 4 48, ठीक है। 500 चौक 2,500 पंजे, 4 से करो तो 4 चौक 16, 4 8 32 33, 4 चौक 16 17, नहीं 5 से होगा ये, तो 5 बजे 25, 5 8 40, अब 2 42, 5 5 4 9 है, 5 बजे 25, 5 8 40 और 2 42, 5 1 20 4 24, 2.44 ही जाएगा ये, 2.44 है, √6 मान लीजिए, ठीक है। बी कितना है, √5 मान लो पहले, तो आप 5, 2 दुनी 4, 2 और 2 4, 42 दुनी 84, 42 और 2 44, 3 से जाएगा, 2.23, ठीक है। √3 निकालो, अब √3 कितना आएगा, √3 1.732 होता है शायद, नहीं तो याद है मुझे, √3 1.732, ठीक है। तो 2 माइनस 1.732, 10 में से हो गया 8, 9 में से गया 6, 9 में से 7 गया 2, 0.268, ठीक है। √5 माइनस 2, 0.23 आएगा समथिंग, ठीक है। और सी तो सबसे बड़ा है, सी सबसे बड़ा किस में, एक में इसमें और इसमें है, ये कितना हो जाएगा, √6 माइनस ये 1, 2.21, 0.21, ठीक है। तो ये बड़ा है, सी बी ए बी सी मतलब फर्स्ट आंसर है। और 69वां और 74वां, 69वां कौन सा लग गया, उनहत्तरवा, इन द मिक्सचर रेशियो ऑफ मिल्क टू मिक्सचर, मिल्क टू मिक्सचर है यार ये, सबसे पहले तो यहीं पे ध्यान देना, मिल्क टू मिक्सचर है ये, तो ए क्या है, मिल्क टू वाटर, मिल्क टू वाटर लिखते हैं, ये 5 है तो ये मिक्सचर A-5 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही B है 7, तो ये 7-B, ठीक है। A and B आर मिक्स इन द रेशियो 2:3, अब इनको सेम भी करना पड़ेगा, तो सेम करने के लिए सम से इंटू करो, इसका सम करोगे तो इसका सम कितना आ जाएगा, 5, मैं सॉरी, इसका सम करोगे तो ए, इसका करोगे तो कितना आएगा, 7-B, सॉरी B-7 होगा ना, इसका सम करोगे तो कितना आएगा, B, ठीक है। तो B को इससे कर दो, A को इससे कर दो मल्टीप्लाई, ठीक है।
और 2:3 में मिलाना है हमें, 2 और 3 से इंटू कर दो तो 2b, 2 5 10 b हो जाएगा ये, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा, 2b, 2ab माइनस में 2b, 2 5 10 b, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 3a, 3 7 21 a, और 3a 3b, सॉरी क्या हो रहा है, 3b माइनस 3 7 21 ab, क्या किया मैंने, दोबारा देखते हैं, 2b 2ab माइनस में 10b, ठीक है। 3ab है, 3ab है, सॉरी है, 3ab माइनस में 21b, हाँ ठीक है। तो क्या बोल रहा है इसने, देन द रेशियो मिल्क एंड वाटर इन द फाइनल मिक्सचर 3:8, ओके। तो मिल्क और वाटर का रेशियो है, तो मिल्क, तो ये ऐड कर दो इसको, 10a प्लस में 21, सॉरी 10b प्लस में 21a अपॉन में इसको ऐड करोगे कितना आएगा, 2ab 3ab 5ab, ठीक है, माइनस में है 5ab माइनस में b भी है ना, 31b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ये, 3:2। तो इसको अगर खोल के लिखो तो गड़बड़ आ रही है कुछ, अगर इसको मल्टीप्लाई करूँ मैं, 3ab माइनस में 3 7 21 a आएगा ना यहाँ पे, 3 7 21 a, 2b, हाँ सही है, तो 5ab माइनस में, 5ab माइनस में क्या गंदा क्वेश्चन है, 10b माइनस 21 a, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 2 20 b प्लस में 21 42 a, निकल रहे 3 5 15 ab, अरे क्या हो रहा है, 30 b, 63 a, क्या गंदा जाया जा रहा है ये, 63 a, अगर इसको इधर लिया होगा तो 63 और 42 60 40 100 105 a, ठीक है, प्लस में 50 b इजिकल टू 15 ab, 5 से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा ये, 21 a प्लस में 10 b इजिकल टू 3 ab, अरे हो गया। तो इसको अगर यहाँ पे लिखो तो 10 a 10 b प्लस में 21 a अपॉन में ab, ये हमसे पूछा है, हो गया इजिकल टू 3। मस्त क्वेश्चन था और मैंने मस्त तरीके से कर दिया, ठीक है, इसका आंसर रहेगा 3। के मजे आ गए। और एक 74वां क्वेश्चन रह गया, पाइप ए कैन फिल द टैंक इन 18 आवर्स, दोबारा करके देखते हैं, बी कैन एम्प्टी इट इन 54 आवर्स, 54 3 1 फाइंड द टाइम टेकन फिल द बोथ पाइप्स आर अल्टरनेटली बी 4 1 स्टार्टिंग विद ए, ए घंटे में कितना भरेगा, 3 भरेगा, ठीक है, बी फिर 1 घंटे में खाली कर देगा 1, तो 2 घंटे में कितना भर जाएगा, 2 भरेगा। अब हमें 54 भरना है डायरेक्टली, अगर 27 इंटू कर दो तो 54 घंटे हो जाएगा, ठीक है, 26 से करूँ तो 26 सुनी 52 घंटे में 52 कैपेसिटी भर गई, ठीक है। लेकिन इन्होंने गड़बड़ किया हुआ है क्वेश्चन में, आंसर इन्होंने गलत लिखा है, 54 तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से आ रहा है, लेकिन 52 के बाद 53वें घंटे में ये टंकी भर जाएगी, लेकिन 54 दे रहा है क्या, तो कर देते हैं और क्या, ठीक है, रीजनिंग में कोई रह गया क्या, अरे 12वां क्वेश्चन रह रखा है, चाहे गलत है क्वेश्चन ही, ठीक है, अब सबमिट कर देते हैं, टाइम तो बचा ही हुआ है, ठीक है। क्या हो गया, दोबारा ना ऑन करना पड़ रहा है मुझे यार ये, वाईफाई बंद हो जाएगा तो मेरी गड़बड़ हो जाएगी, नहीं यार बंद नहीं होना चाहिए प्लीज,
डैम यार, मैं नहीं दे सकता दोबारे भाई। अगर ये आया नहीं ना तो वीडियो तो अपलोड कर ही दिया। हाँ काट के दोबारे करता हूँ। आ गया, थैंक गॉड। इंग्लिश में 5 गलत हो गए। इंग्लिश में 5 गलत कौन से हो गए यार? मैथ्स में पूरे ये, और रीजनिंग में एक तो क्वेश्चन गलत था, वो छोड़ दिया था मैंने। जीके तो एज यूजुअल गंदी। इंग्लिश में पता नहीं यार कैसे हो गए 5 गलत। और चलो ठीक है, मार्क्स तो ठीक है, अच्छा पेपर था यार ये, ठीक है। और बाकी मोटिवेशन जो दिया है शुरू में वो सुन लेना, ठीक है। तो अब सबसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।